प्रकृति खेती को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आइए सुनते हैं। प्राप्त की है, प्रयोग सफलतापूर्वक आगे बढ़ाए हैं, हमारे देश के किसान भी उनके फायदे की इस बात को कभी भी कम नहीं आंकेंगे, कभी भी भूलेंगे नहीं। साथियों, ये कॉन्क्लेव गुजरात में भले हो रहा है, लेकिन इसका दायरा, इसका प्रभाव पूरे भारत के लिए है, भारत के हर किसान के लिए है। एग्रीकल्चर के अलग अलग आयाम हो, फूड प्रोसेसिंग हो, नेचुरल फार्मिंग हो, ये विषय 21वीं सदी में भारतीय कृषि का कायाकल्प करने में बहुत मदद करेंगे। इस कॉन्क्लेव के दौरान यहां हजारों करोड़ रुपए के समझौते, उसकी भी चर्चा हुई, उसका भी कुछ प्रगति हुई है। इनमें भी इथेनॉल, ऑर्गेनिक फार्मिंग और फूड प्रोसेसिंग को लेकर जो उत्साह दिखा है, नई संभावनाओं को विस्तार देता है। मुझे इस बात का भी संतोष है कि गुजरात में हमने टेक्नोलॉजी और नेचुरल फार्मिंग में तालमेल के जो प्रयोग किए थे, वो पूरे देश को दिशा दिखा रहे हैं। मैं फिर एक बार गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने देश के किसानों को नेचुरल फार्मिंग के बारे में इतना सरल शब्दों में स्व अनुभव की बातों के द्वारा बड़े विस्तार से समझाया है। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में आज समय अतीत के अवलोकन का, उनके अनुभवों से सीख लेकर नए मार्ग बनाने का भी है। आजादी के बाद के दशकों में जिस तरह देश में खेती हुई, जिस दिशा में बढ़ी, वो हम सबने बहुत बारीकी से देखा है। अब आजादी के 100वें वर्ष तक का जो हमारा सफर है, आने वाले 25 साल का जो सफर है, वो नई आवश्यकताओं, नई चुनौतियों के अनुसार अपनी खेती को ढालने का है। बीते 6-7 साल में बीज से लेकर बाजार तक किसान की आय को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए गए हैं। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर लागत का 1.5 गुना एमएसपी करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए हैं। और श्रीमान तोमर जी ने इसका कुछ जिक्र भी अपने भाषण में किया है। खेती के साथ साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन और सौर ऊर्जा, बायोफ्यूल जैसे आय के अनेक वैकल्पिक साधनों से किसानों को निरंतर जोड़ा जा रहा। गांवों में भंडारण, कोल्ड चेन और फूड प्रोसेसिंग को बल देने के लिए लाखों करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये तमाम प्रयास किसान को संसाधन दे रहे हैं, किसान को उसकी पसंद का विकल्प दे रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने है।
जब मिट्टी ही जवाब दे, जब मिट्टी ही जवाब दे जाएगी तब क्या होगा? जब मौसम ही साथ नहीं देगा, जब धरती माता के गर्भ में पानी सीमित रह जाएगा तब क्या होगा? हरित क्रांति में अहम रोल निभाया है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि हमें इसके विकल्पों पर भी साथ ही साथ काम करते रहना होगा और अधिक ध्यान देना होगा। खेती में उपयोग होने वाले कीटनाशक और केमिकल फर्टिलाइजर हमें बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ता है, बाहर से दुनिया के देशों से अरबों खरबों रुपया खर्च करके लाना पड़ता है। इस वजह से खेती की लागत भी बढ़ती है, किसान का खर्च बढ़ता है और गरीब की रसोई भी महंगी होती है। ये समस्या किसानों और सभी देशवासियों की सेहत से जुड़ी हुई भी है, इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है, जागरूक रहने की आवश्यकता है। साथियों, गुजरात में कहावत है, हर घर में बोली जाती है, पाणी आवे तो पहला पाळ बांधो, पाणी पहला पाळ बांधो है, आपणे त्यां बधा ज कहता होय छे। इसका तात्पर्य ये कि इलाज से पहले परहेज बेहतर। इससे पहले की खेती से जुड़ी समस्याएं भी विकराल हो जाए, उससे पहले बड़े कदम उठाने का ये सही समय है। हमें अपनी खेती को केमिस्ट्री की लैब से निकालकर नेचर यानी प्रकृति की प्रयोगशाला से जोड़ना ही होगा। जब मैं प्रकृति की प्रयोगशाला की बात करता हूं तो ये पूरी तरह से विज्ञान आधारित ही है। ये कैसे होता है इसके बारे में अभी आचार्य देवव्रत जी ने विस्तार से बताया भी है, हमने एक छोटी सी फिल्म में भी देखा है और जैसे उन्होंने कहा, उनकी किताब प्राप्त कर करके भी YouTube पर आचार्य देवव्रत जी के नाम से ढूंढेंगे तो उनके भाषण भी मिल जाएंगे। जो ताकत खाद में है, फर्टिलाइजर में है, वो बीज, वो तत्व प्रकृति में भी मौजूद है। हमें बस उन जीवाणुओं की मात्रा धरती में बढ़ानी है, जो उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाना है। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसमें देसी गायों की भी अहम भूमिका है। जानकार कहते हैं कि गोबर हो, गोमूत्र हो, इससे आप ऐसा समाधान तैयार कर सकते हैं जो फसल की रक्षा भी करेगा और उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाएगा। बीज से लेकर मिट्टी तक सबका इलाज आप प्राकृतिक तरीके से कर सकते हैं। इस खेती में ना तो खाद पर खर्च करना है, ना कीटनाशक पर। इसमें सिंचाई की आवश्यकता भी कम होती है और बाढ़ सूखे से निपटने में भी ये सक्षम होती है। चाहे कम सिंचाई वाली जमीन हो या फिर अधिक पानी वाली भूमि, प्राकृतिक खेती से किसान साल में कई फसलें ले सकता है। यही नहीं, जो गेहूं, धान,
दाल या जो भी खेत से कचरा निकलता है, जो पराली निकलती है, उसका भी इसमें सदुपयोग किया जाता है। यानी कम लागत ज्यादा मुनाफा, यही तो प्राकृतिक खेती है। साथियों, आज दुनिया जितना आधुनिक हो रही है उतना ही बैक टू बेसिक की ओर बढ़ रही है। संसद में टेनी के इस्तीफे पर जबरदस्त हंगामा। राहुल ने कहा अपराधी है मंत्री, तुरंत हो इस्तीफा, किसानों को कुचलने वाले को बर्खास्त करे सरकार। बांग्लादेश निर्माण वाले विजय दिवस के 50 साल पूरे होने पर बड़ा जश्न, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम, ढाका में भी शहीदों को किया गया नमन। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में मार गिराए दो आतंकी, इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। अलीगढ़ में AIMIM नेता गुफरान नूर का विवादित बयान, कहा मुस्लिम अधिक बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो हम कैसे राज करेंगे, ज्यादा बच्चे पैदा करो, ओवैसी को पीएम बनाओ। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी, कैबिनेट ने दी मंजूरी, कांग्रेस ने बताया जल्दबाजी में लिया फैसला। प्रस्तुतकर्ता केसरी मरहब एवं तैलम, 1957 से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। बात करती है, नेचुरल की बात करती है। आज जब बैक टू बेसिक की बात होती है तो उसकी जड़ें भारत से जुड़ती दिखाई पड़ती हैं। साथियों, यहां पर कृषि से जुड़े कई विद्वान लोग उपस्थित हैं जिन्होंने इस विषय पर व्यापक शोध किया है। आप लोग जानते ही हैं हमारे यहां ऋग्वेद और अथर्ववेद से लेकर हमारे पुराणों तक कृषि, पाराशर और काश्यपीय कृषि सूक्त जैसे प्राचीन ग्रंथों तक, और दक्षिण में तमिलनाडु के संत तिरुवल्लुवर जी से लेकर उत्तर में कृषक कवि घाघ तक हमारी कृषि पर कितनी बारीकियों से शोध हुआ है। जैसे एक श्लोक है, गोहितः क्षेत्रगामी च कालजो बीज तत्परः, कालज्ञो बीज तत्परः, वितंद्रः सर्वशास्त्राज्ञ कृषको न अवसीदति। अर्थात जो गोधन का, पशुधन का हित जानता हो, मौसम समय के बारे में जानता हो, बीज के बारे में जानकारी रखता हो और आलस न करता हो, ऐसा किसान कभी परेशान नहीं हो सकता, गरीब नहीं हो सकता।